hello friends welcome to this video lecture of alaylan in this lecture we are going to talk about kepler's law of planetary motion these are three scientific laws describing the motion of planet around the sun these laws were published by german astronomer johannes kepler between 1609 and 1619 actually the first two laws were published in 1609 in the book Astronomia Nova and the third law was published 10 years later that is in 1619 in the book Harmonious Mundi. So why are Kepler's laws so significant? Actually Kepler's laws improve the model given by Copernicus. Copernicus said that the planetary orbit is a circle मीन्स जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट होता है वो एक सर्कल होता है कोपरनिकस ने फिर कहा जो सन है वो सेंटर में होता है ऑर्बिट के यानी कि जो सर्कल का सेंटर है दैट इज अवर सन द सन इज एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट एंड थर्ड लॉ गिवन बाय कोपरनिकस वाज द स्पीड ऑफ द प्लैनेट इन द ऑर्बिट इज कांस्टेंट इसका मतलब जिस स्पीड से प्लैनेट ऑर्बिट में घूमते हैं वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड है यानी कि वो चेंज नहीं होती सो दीज वर द थ्री लॉज गिवन बाय कोपरनिकस एंड दीज लॉज वर लेटर इंप्रूव्ड बाय जोहानिस कैपलर एंड पॉपुलरली नॉन एज कैपलर्स लॉज ऑफ प्लेनिटरी मोशन तो चलिए जानते हैं कैपलर्स ने क्या लॉ दिए द फर्स्ट लॉ वॉज द प्लानिट मूवस अबाउट द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस यानी कि जो कॉपरनिकस ने कहा कि प्लानिटरी ऑर्बिट जो है वो सर्कल होता है उसके ठीक अपोजिट कैपलर्स लो ने क्या बोला प्लानिटरी ऑर्बिट सर्कल नहीं होता वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है और सन उसके सेंटर पे नहीं होता उसके एक फोकस पर होता है हम जानते हैं एलिप्स के दो फोकस होते हैं तो कैपलर्स लो के हिसाब से सन जो है वो किसी एक फोकस पर होगा प्लैनेट्स मूव अबाउट द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन फोकस लेट से हमारा सन जो है वो एफ वन फोकस पर है यानि कि यहां पर हमारा सन है एस तो प्लैनेट जो है वो इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलेगा इसलानिट तो कैप्लर के पहले लो ने कोपरनिकस के पहले दोनों लो को मॉडिफाई कर दिया अब देखते हैं दूसरा लो क्या दिया कैप्लर ने द रेडियस वैक्टर ज्वाइनिंग अ प्लानट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसका मतलब यहां से जो सन पे एक रेडियल वेक्टर में ड्रॉ करूंगा लेट से दिस इज अवर रेडियल वेक्टर फ्रॉम प्लानट टू द सन और वो कुछ टाइम बाद मान लीजिए यहां से यहां पर आ गया इस पोजीशन पर आ गया इन टाइम टी तो टी टाइम में आप कहीं पर भी दो रेडियल वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए जो एरिया होगा वो इक्वल आएगा यानी कि दिस एरिया दिस एरिया विल बी इक्वल इन ईच केस अब देखिए ऐसा कब पॉसिबल है टी टाइम में प्लैनेट यहां से यहां पर आया ऐसे ही एक और केस ले लेता हूं मान लीजिए प्लैनेट यहाँ पर है और सेम टी टाइम में प्लैनेट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा अब ये एरिया कभी इक्वल हो सकता है देखिए यहाँ पर रेडियल वेक्टर तो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर काफी छोटा बनेगा तो इक्वल एरिया तब होगा जब प्लैनेट की स्पीड जब वो सन के पास है वो फास्ट हो यानी कि सेम टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे और जब वो सन से बहुत दूर है तब उसकी स्पीड बहुत कम हो तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि प्लैनेट जो है वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा विद द सन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो देखिए आप ये टी टाइम में इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गया दिस वॉज ऑल्सो अवर टी एंड दिस इज ऑल्सो अवर टी तो एरिया जो है वो इक्वल हो गया हमारा सो दिस इज अवर सेकेंड लॉ द रेडियस वैक्टर ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो बेसिकली कैप्लर के इन दोनों लॉ ने कॉपरनिकस के इन तीनों लो को मॉडिफाई कर दिया इसमें क्या था स्पीड कॉन्स्टेंट है लेकिन कैप्लर के सेकेंड लॉ से में क्या पता चल रहा है स्पीड तो चेंज होगी और पहले लॉ ने कॉपरनिकस के पहले दो लो को तो मॉडिफाई कर ही दिया था तो फ्रेंड्स सिक्सटीन जीरो नाइन में जोहानस कैप्लर ने ये दो लॉ दिए और उसके 10 साल बाद 1619 में उन्होंने थर्ड लॉ पब्लिश किया थर्ड लॉ में उन्होंने क्या कहा? टू द क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सेस ऑफ इट्स ऑर्बिट मान लीजिए हम पी से टाइम को डिनोट करते हैं जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में लगता है यानी कि अगर इस पॉइंट से लेट से दिस इज अवर पॉइंट ए ए से स्टार्ट करूं और इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं और ये घूम के वापस ए पर जब मेरा प्लान आता है तो इस पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन में मुझे पी टाइम लगता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी दिस इज अवर ए सो दिस टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड द दिस टाइम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सेस दिस वॉज गिवन बाय कैपलर इन हिस्स थर्ड लॉ बेसिकली आप समझ सकते हैं जितना प्लेनेट अगर सन से दूर होता जाएगा यानी कि जितना इलेप्टिकल जो ऑर्बिट है मेरा वो बड़ा होता जाएगा तो जो ए है वो भी चेंज होगा और जो टाइम टेकन है वो भी बढ़ता चला जाएगा क्योंकि काफी दूरी कवर करनी होगी तो जो ये रिलेशनशिप बिल्ड किया इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं कैपलर थर्ड लॉ ऑफ मोशन द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अबाउट इट्स ऑर्बिट इसको हमने पी से डिनोट किया है लेट्स से ब्रैकेट पी इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस